सभी धर्मात्मा हो गए तो फिर क्या अंतर रहा। ये बात उन्होंने पहले पैराग्राफ में ये बात कही। उनको क्या सिद्ध करना है टोटल बजे साहब को कि परीक्षा जिन चीज जिन विषय की जिन सिद्धांतों की परीक्षा हो सकती है उसको परीक्षा करना। अभी परीक्षा करने में बहुत लाभ है। अभी सच्चे और झूठे देव भी पकड़ में आ जाएंगे, सच्चे और झूठे गुरु भी पकड़ में आ जाएंगे, और सिद्धांतों का यदि मिलान करोगे तो आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा कि कौन सी बात पापियों ने अंदर अपनी कल्पना से डाल दी। क्या बात पकड़ में आएगी आपको? क्या आप तर्क की कसौटी पर कसोगे आदम में कही गई बात, और किन चीजों को तर्क की कसौटी पर लेना है जिसका जिसकी आप परीक्षा कर सकते हो, ये जरूर ध्यान रखना है। किसको अभी आप बोलोगे नहीं सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है कि नहीं है ये तो मेरे को चेक करना है, तो बहुत ही फीता लेकर कहा जाओगे आप चेक करने के लिए? स्वर्ग के अंदर इन देव की ये आयु है, ये लंबाई चौड़ाई है कहां जाओगे बाबूजी मेजरमेंट करने? तो अभी क्या है वो सब बातें यहां टोरमली साहब स्पष्ट करेंगे। कल जो अपन ने बात कही उसमें बस यही बात मुख्य थी उनकी। क्या मुख्य थी? कि अन्य मत वाले भी अपने देव की आज्ञा के अनुसार प्रवर्तते हैं और आप भी अपने देव की आज्ञा के अनुसार प्रवर्तते हो तो दोनों में कोई विशेष अंतर रहा नहीं, और अगर आप अपने को धर्मात्मा मानते हो तो वह भी धर्मात्मा होगा, ये उन्होंने बात प्रस्तुत की। और साथ में यह भी कहा कि परीक्षा किए बिना सत्य और असत्य का निर्णय नहीं हो सकता, है ना। अपन ने कल 2-3-4 सिद्धांत अपने समझ में ऐसे विचार किए थे कि यदि परीक्षा करके कोई चीज आप निर्णय लेते हो तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस अलग तरह का रहता है ना, आपको उसका पूरा विश्वास का जोर अलग रहता है। कल अपन ने सोने का उदाहरण भी लिया था, मैसूर पाक का उदाहरण भी लिया था, जो भी है। अब आज हम उसके आगे की बात करते हैं। देखो पेज नंबर 228 निकालिया, पेज नंबर 228 है। बिना परीक्षा किए सत्य और असत्य का निर्णय कैसे हो? ये टोटल बजे साहब ने प्रश्न खड़ा किया है। कोई भी चीज सच्ची है या झूठी है बाबूजी वो परीक्षा किए बिना पता नहीं चलती, है ना। अभी आप कोई सोना खरीद के लाए हो इसमें मिलावट कितनी है बिना परीक्षा किए कैसे लो? आप अच्छा सोना बेचने भी गए थे वाड़ी में, तो वो जो सुनार क्या करेगा, कैसे पैसे देगा, कैसे पैसे देगा? वह चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि इसमें अशुद्धि कितनी है और शुद्धि कितनी है, है ना। उसी के आधार से तो वो उसको गिनेगा, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्य मती अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी, यह तो पक्ष से आज्ञा मानना है। यह है बात, मुद्दे वाली बात तो डॉक्टर मंजिल साहब ने कह दी। आपको किसका पक्ष पड़ा हुआ है? कुल परंपरा का पक्ष पड़ा हुआ है, आपको अपनी पद्धति का पक्ष पड़ा हुआ है। ऐसा है बहुत जीवों पर, बहुत जीवों पर। क्या आपको यदि आपका पक्ष है ना बाबूजी तो आपकी हर बात अच्छी लगेगी। घर में भी देख लेना, आपके 3-4 बेटे हैं, अब आपको किसी एक बेटे का पक्ष है, ठीक है, तो आपको उसकी की गई एक्टिविटी आपको अच्छी लगेगी, और सेम एक्टिविटी यदि दूसरे बच्चे ने की तो वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, है कि नहीं। आप अपने अंदर तो ये जोर कहीं का है, एक्टिविटी के कारण आपको अच्छा बुरा लग रहा है कि पक्ष का जोर है? बोलो आप खुद ही एनालिसिस करना, इससे कोई भी घटना पे आप घटा लेते हैं, है ना। इसको बोलते हैं पक्ष का जोर। किसी भी व्यक्ति के संबंध में आपने जो विचारधारा रख रखी है,
जैसे आपने मेरे संबंध में विचारधारा रख रखी है कि ये गलत है, ठीक है, अगर यही बात मैं कहूंगा कि पुण्य में धर्म नहीं है तो आप हल्ला करने लग जाएंगे कि ये गलत है। और जिसका आपको श्रद्धा है और वह यदि कहेगा कि पुण्य में धर्म नहीं है तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई है ना, तो ये अंतर क्या रहा, अंतर क्या रहा, पक्ष का जोर रहा। डॉक्टर मिली साहब ने यही कहा कि इस जीव ने पक्ष से आज्ञा मानी है। किससे मानी है बाबू की आज्ञा? आपको जैन कुल में जन्म हुआ है तो आपने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा पक्ष से मानी है, और उसका अन्य कुल में जन्म हुआ है तो उसने वहां के देवी देवता की आज्ञा पक्ष से मानी है। अब पक्ष का जोर रहा तो फिर मिथ्या दृष्टि सिद्धांत का क्या जोर रहा है? कितने की जबरदस्त बात है, कैसे बात करने आ गई आप? अपन को ऐसा लगता है हम कैसे परीक्षा करें, हम तो अल्पज्ञ है। अरे भाई तेरे को जितनी बुद्धि है, तेरे को जितनी समझ है, जिस चीज की तू परीक्षा कर सकता है उसकी तो परीक्षा कर लू। आदम में जो पहचान बताई है देव की, आदम में जो पहचान बताई है गुरु की, आदम में जो पहचान बताई धर्म की, अगर वह बात तेरे को सीधी स्थूल रूप से ही लगती है कि ये अलग है गलत है, उसके बाद फिर उसको स्वीकार करने में क्या जाता है? क्यों स्वीकार नहीं हो पाती है? पक्ष पड़ा हुआ है हा? और इस पक्ष वाले हृदय को बोलते हैं बाबू जी उसका क्या है कैसा है? कठोर हृदय है। आई बात समझ में? जो जीव सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, पक्ष का जोर पड़ा हुआ है, उसका चित्त सरल नहीं है। लोग में उदाहरण नहीं देते थे, एक नौकर ने गिलास रखा, ठीक है, और आपकी पत्नी के पांव की ठोकर लगी और फूट गया गिलास, गुस्सा किस पे होगी कजावा साहब? बोलो भाई किस पे गुस्सा होंगे, पत्नी पे कि नौकर पे? बाबूजी काय पे गुस्सा होंगे? हाँ है ना, क्या कहेंगे? अरे नालायक तेरे को खबर नहीं थी क्या कि यहाँ गिलास रखने की जगह है क्या? अच्छा, और यदि नौकर के पांव से ठोकर लग के गिर जाए तो? अरे देख के नहीं चलता है। आई बात बस है क्या ऐसा होता है? इसको कहते हैं पक्ष। ये टोटल मल्ली साहब ने कहा यह तो पक्ष से आज्ञा मानता है। अब आगे यहां तक तो अपन ने कल विचार कर लिया, अभी टोटल मल्ली साहब ने बहुत मार्मिक बात यहां प्रस्तुत की है। आदम में आज्ञा के संबंध में तीन चार जगह अलग अलग बिंदुओं से चर्चा है, अलग अलग अपेक्षाओं से चर्चा है। उन सभी बातों को यहाँ पहले प्रश्न के रूप में शिष्य के मुख में प्रस्तुत किया। देखो अपन पढ़ते हैं, कोई कहे कि शास्त्र में दस प्रकार के सम्यक में आज्ञा सम्यक कहा गया, सम्यक दर्शन के दस भेद हैं, इसकी चर्चा आदम में आई है ना, राजवार्तिक में या आप देख लेना किसमें आए है, आत्मानुशासन है राजवार्तिक, उसमें भी आप देखना दस प्रकार के सम्यक है, उसमें है किसमें मुखमार प्रकाशक में भी है, इसमें भी होगी आगे तो उसमें दस प्रकार के सम्यक है, उसमें एक भेद है आज्ञा नाम का सम्यक है ना, आज्ञा सम्यक है, मार्ग सम्यक है ना, उसके बाद अर्थ सम्यक है, वे क्या बोल विस्तार सम्यक है, अवगार उपदेश, ऐसे दस भेद है सम्यक। अभी बहुत मार्मिक बात है, आप आज्ञा सम्यक किसको कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से सम्यक हो गया, एक ऐसा आपको है ना मिलेगा। अभी प्रश्न ये शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया, क्या खड़ा किया? तो एक तरफ तो आप आज्ञानुसारी को व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं,
और एक तरफ जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण करके जिसको समय दर्शन हो गया है उसको आप आज्ञा सम्यक कह रहे हैं, ये क्या चक्कर है? प्रश्न समझ में आया आपको? क्या प्रश्न समझ में आया? गौरव का क्या कह रहा था शिष्य? क्या कह पूछना चाह रहा है? क्या पूछना चाह रहा है शिष्य ऋतु भाभी? प्रश्न समझ में आया? आपने अभी व्यवहारा वासी मिथ्या दृष्टि का भेद रखा है। दूसरा क्या परीक्षा सहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारा वासी मिथ्या दृष्टि, ठीक है, इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का अनुसरण करता है और परीक्षा नहीं करता वह व्यवहारा वासी मिथ्या दृष्टि है। अब जब आप सम्यक के 10 भेद का अपन विचार करते हैं उसमें आज्ञा सम्यक का एक भेद है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जिसको सम्यक हुआ था, है ना, मार्ग से प्रभावित होकर सम्यक हुआ था। संक्षेप में सूत्र को सुनकर सम्यक हुआ है, विस्तार से जिसने विचार किया है और सम्यक हुआ है, गाढ़ सम्यक अवगाढ़ सम्यक, ऐसे 10 प्रकार के भेद हैं सम्यक दर्शन के। अभी देखना उसने बात क्या उठाई है, बात उसकी आप बात पकड़ना। वो कह रहा है आप आज्ञानुसारी जो है उसको कह रहे हो मिथ्या दृष्टि परीक्षा नहीं, और आगम में आज्ञा सम्यक नाम का एक भेद है जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से जिसने सम्यक को प्राप्त किया है, तो ये दोनों बात परस्पर विरोध नहीं लगती? ये उसका प्रश्न है। और एक नहीं 3 बातें उसने उठाई है। दूसरे नंबर की बात क्या उठाई है कि दूसरा देखो आज्ञा विचय धर्म ध्यान का एक भेद है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद पढ़े ना अपन ने, बोलो भाई पढ़े कि नहीं पढ़े थे अपन ने रत्नकरण शास्त्राचार्य में? क्या क्या था? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विभाग विचय और संस्थान विचय पढ़े थे बोली। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में क्या होता है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करना वो आज्ञा विचय है ना। अपाय विचय, अपाय मतलब होता है नाश, अपाय का अर्थ क्या है? नाश, किनके कारण मेरे मोक्ष मार्ग का नाश हुआ है उसका विचार करना वो अपाय विचय है ना। मिथ्या के कारण मेरे मोक्ष मार्ग का नाश हुआ है अपाय विचय है, या कह सकते हो उपाय पूर्वक अपाय का विचार करना, क्या कि मेरे 8 कर्मों का नाश कैसा हो इस उपाय को विचार करना है, और किसने मेरी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होने दिया है उसका विचार करना है कि भाई मिथ्यात्व के कारण मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं और 8 कर्मों का कैसे नाश करूं इसका विचार, इसको बोलते अपाय विचार है ना। ये तो अपन ने चर्चा की थी ना, आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय क्या है बाबू जी? कर्म के उदय में मिलने वाली सामग्री एक उसका विचार, और कर्म के उदय से भिन्न अपनी आत्मा का विचार। मैं कैसा हूं? मैं अनादि अनंत अखंड जिसमें कर्म का कोई उदय ही नहीं आता। बाबू जी कैसा हूं मैं? बात कह रहा सर कर्म के उदय में क्या मिल रहा है और मेरे में कर्म का उदय होता ही नहीं है, मेरे में तो नित्य ज्ञान का उदय है, इस प्रकार का विचार करना वो कहलाता है बाबू जी क्या है? विपाक विचार। संस्थान लोक के आकार संबंधी विचार करना वो संस्थान। तो ये 4 प्रकार के जब अपन ने धर्म ध्यान में ये भेद दिए तो उसमें आज्ञा विचय जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करना तो वो बात उठाई अपन टोटल मिलेगा। तीसरा सम्यक दर्शन के 8 अंग है उसमें निसंकित अंग है। निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ भाई? अंजन जोड़ निसंकित अंग में प्रसिद्ध क्या हुआ? प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। क्या करा अंजन जोड़ ने ये बताओ? बोलो भाई जल्दी बोलो क्या नाम सुना है आपने अंजन जोड़ का? सुना है? और किस अंग में सम्यक दर्शन के किस अंग में प्रसिद्ध हुआ है?
नहीं सके कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में संज्ञा नहीं रहना, वो निसंज्ञ है। अब उसने किसके वचन माने थे ये बताओ है? बोलो भाई है? किसके वचन माने थे? वो बोलता है सेठ वचन प्रमाणम, तो जिनेंद्र भगवान के वचन थे कि सेठ के वचन थे? क्या किया जिनेंद्र भगवान के वचन थे? तो फिर यहां तो कह रहे कि जिनेंद्र भगवान के वचन में उनको तो फेमस कर दिया आपने। देखो बोला भी सही नहीं था उसने, नमोकार बात पक्की तो उच्चारण भी सही नहीं था, और किसके वचन प्रमाण करे उसने? और वो सेठ जी कैसा था भाव जी, खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था, वो तो बार बार उतर रहा था। जिस सेठ को ही विश्वास नहीं था, और आप कह रहे सेठ के वचन प्रमाण, अभी मैंने तो आपको प्रूफ दे दिया, आपको लेने देना है लॉजिक की बात। अभी मुद्दे वाली बात, तीन बातें यहां उठाई है, पर प्रश्नालियों की कथन पद्धति है क्या गजाव साहब? मैंने जो बात कही आपको तो गलत लगी है, इसमें इतने साल से आप सुन ही रहे थे ना कि उसमें किसके बात पर विश्वास करी उसने? सेठ की बात पर, और सेठ के साथ था जिसको खुद को विश्वास नहीं है, ये तो आपको कहानी से समझ में आ रहा था ना बात, ठीक है? और फिर उसका काम हो गया, गलत सोच गलत बोल दिया नमोकार मंत्र तो भी काम हो गया। किस पे श्रद्धा थी? सेठ पे थी क्या? भगवान पे श्रद्धा थी। अब ये तो आप खोज करना, आप फिर मुझे बताना। लेकिन ये तीन बातें उठाई डॉक्टर मल्ली साहब ने, क्या तीन बातें उठाई? एक तो क्या है आज्ञा सम्यक, दूसरा आज्ञा विजय धर्म ज्ञान, और एक निसंकित अंग। इन तीनों में जिनेंद्र वचन की आज्ञा को मानना और उसमें संकर नहीं करना, इस प्रकार की बात आई है। और आप यहां कह रहे हो कि आज्ञा के अनुसार वह अगर चलता है परीक्षा नहीं करता है तो वह मिथ्या दृष्टि है। ये बात इन दोनों का समन्वय हमको समझाओ। क्या कह रहे हैं? दोनों बातों का समन्वय क्या है ये हमको समझना है। देखो निकालो पेज 228 अपन पढ़ते हैं। कोई कहे कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक में आज्ञा सम्यक कहा है, वह आज्ञा विजय धर्म ज्ञान का भेद कहा है, वह निसंकेत अंग में जिन वचन में संशय का निषेध किया है वह किस प्रकार है? प्रश्न समझ में आ गया गजराज साहब? ठीक है, अब उत्तर समाधान। समाधान बहुत जोरदार है, आप देखना कितना सुंदर समाधान दिया है उन्होंने। शास्त्र में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। पहली बात क्या कही बाबूजी? पहली बात क्या कही जाओ साहब? शास्त्र में कितने ही कथन इस प्रकार के हैं जिस बात का आप प्रत्यक्ष से और अनुमान से उनकी परीक्षा कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर नहीं है। शास्त्र में बहुत जगह ऐसे कथन आएंगे जो आप प्रत्यक्ष और अनुमान से भी आप उसको नहीं पकड़ सकते, है ना? क्या भाजी? अभी सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है, उसको प्रत्यक्ष और क्या अनुमान लगाओगे? गुण है ना, गुण गुण के भेद है, अविभाग प्रतिच्छेद, अब उसमें क्या अक्कल लगाओ? सदगुणी हानि वृद्धि होती है ना, उसमें क्या? तो बहुत सारे कथन ऐसे हैं अजाव साहब जो आपके प्रत्यक्ष और अनुमान से भी पकड़ में नहीं आते, लेकिन बहुत सारे कथन ऐसे हैं जो आपके
आपके प्रत्यक्ष और अनुमान से पकड़ में आते हैं और दोनों प्रकार के कथन आगम में है। ये बात गौरवी साहब ने ये बात कही, क्या कही है बोलो भाई, क्या बात कही है? आगम में दो प्रकार के कथन है, कुछ तो प्रत्यक्ष और अनुमान से पकड़ में आ जाएंगे और कुछ कथन आपके प्रत्यक्ष और अनुमान से पकड़ में नहीं आएंगे। इतनी बात अभी इन दो पंक्ति में थी। अब आगे कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, इसीलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। क्या बात कही भाई, क्या बात कही? जो कथन आपके प्रत्यक्ष और अनुमान से पकड़ में नहीं आते, गोचर नहीं होते, उन कथनों को तो आपको जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से ही मानना है। आई बात समझ? और जो प्रत्यक्ष और अनुमान से पकड़ में आते हैं भावजी, उनको आप प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा करने पड़ो, ये कहना है। क्या कह रहे हैं सर, बात पकड़ में आती है आपको? आलू के अंदर अनंत जीव है, अब इसकी खोज करने मत लग जाना। क्यों भाजी, पहले तो मैं इसकी खोज करूं, क्योंकि परीक्षा नहीं है तो अब आप लोगों को माइक्रोस्कोप बनाना पड़ेगा इतना विशाल कि जितने बताए ना वो अंदर कुर्मी आवास शरीर और एक एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, सब दिखने चाहिए अपने को, नहीं कहता सर? तो मनुष्य लोग उसी में चला जाएगा तेरे। तो क्या करना, जहां तेरे को प्रत्यक्ष भाषित नहीं होते, अनुमान से भी नहीं लगते, वहां क्या करना है तेरे को? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उसको स्वीकार करना, क्योंकि अपनी तो आगम भी प्रमाण है। आई बात समझ? क्या रितु बाबू, प्रमाण है ना, आगम प्रमाण। अभी एक समस्या क्या है अपने साथ कि आगम में मिलावट हो गई है तो क्या करें? आगम है तो प्रमाण, बात पकड़ में आई क्या साहब? क्या समस्या हो रही है अभी अपने साथ? आगम ज्ञान प्रमाण ज्ञान है ना। अरे बोलो भाई, कौन कौन से अपन ने प्रत्यक्ष और परोक्ष में कितने भेद किए थे आपको याद है? बोलो। अरे परोक्ष ज्ञान में जो प्रमाण ज्ञान के कितने भेद किए थे आपको, कितने लोगों को पता है? बोलो। स्मृति प्रत्यभिज्ञान क्या, अनुमान आगम, कितने पांच भेद किए थे ना भावजी? है जो प्रमाण ज्ञान के, बोलो बोलो जल्दी बोलो मेरे है? है? तो उसमें आगम, आगम है आगम, ये भी प्रमाण है। प्रमाण मतलब आगम में कहा हुआ है वो सत्य है, कह जाए साहब क्या सत्य है। अभी प्रश्न ये है कि जो अपने पास उपलब्ध साहित्य है, जो आचार्य परंपरा से मिला है, उसमें किसी ने पापियों ने मिलावट कर दी। क्या कर दिया? पापियों ने मिलावट कर दी। अब इन आगम में से अपने को सही बात खोजनी है और जिन्होंने मिलावट कर दी है वो बात पकड़नी है, क्योंकि मिलावट को यदि आप आगम के हिसाब से मानकर प्रमाण मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो तो आपकी बात नहीं है। बात पकड़ में आई आपको बाबूजी? क्या बात समझ में आ रही है आपको? आगम में जहां तो अब कैसे खोजे, तो टोडर मल्ली साहब ने यहां विधि बताई, देखो बहुत सुंदर विधि बताई, पढ़ते हैं अपन। वहां नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। क्या कहा? पहले नंबर की बात क्या कही? कहा सर, क्या कही पहले नंबर की बात? जो अनेक शास्त्रों में
एक जैसी बात आई है, वहां तो आपको परीक्षा नहीं करनी है, क्योंकि इतने सारे शास्त्रों में अनेक आचार्यों ने बात लिखी है और वो एक जैसी है, तो फिर तो उसमें आपको क्या करना है, परीक्षा नहीं करनी। सभी आचार्यों ने कहा है, क्या है, पाप और पुण्य दोनों क्या है बाबू जी, आश्रव है। क्या कहा है जनाब साहब, आश्रव है। तो अब वो तो सभी आचार्य ने कहा है, पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव है, ठीक है। अब इतने सारे आचार्यों ने सबने कहा है, तो ये बात तो सच्ची है। क्या सच्ची है, पाप और पुण्य दोनों क्या है, कह रहे सर आश्रव है, ठीक। अब कोई बोले समर है तो समझ लेना वो झूठ बोल, ये अपेक्षा सही नहीं है। क्या कथन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन, क्या हो गए समझ तो क्या व्यवहार धर्म कह रहे हैं। आई बात तो क्या कुंडमणि साहब कह रहे हैं, नाना शास्त्रों में जो बात समान है, जो कथन एक समान है, उसकी तो अपने को परीक्षा नहीं करनी है। तो बहुत सारी चीजें तो आपकी निकल गई, क्या क्या चीज निकल गई बाबू जी, पहले तो जिसका प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा नहीं हो सकती है वो तो बाहर हो गया है। अब जिसमें जिनमें अनेक शास्त्रों में एक जैसी बात आई है वो सब आचार्यों ने ली है, इसका मतलब वो भी सही है, उसकी भी परीक्षा नहीं करनी, दो बातें होगी। परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष और अनुमानादिक गोचर हो, उसकी तो परीक्षा करना, किसकी परीक्षा करना, किसकी परीक्षा करना, क्या बात है, परस्पर विरुद्ध हो, है ना। जैसा आपको लगता है कि बात परस्पर विरुद्ध है, अभी आपको यहां लग रहा है कि नहीं परस्पर विरुद्ध, यहां टोडरमली साहब तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कि परीक्षा रहित जो है वह तो मिथ्या दृष्टि है, और तीन प्रकार के सम्यक, तीन प्रकार से आज्ञा की बात आई आगम में, क्या है ना, क्या एक तो आज्ञा सम्यक है ना, आज्ञा विजय धर्म ज्ञान निसंकित, तो क्या है इसमें, दोनों बातें को आपको खोज करनी, अब अपने को तर्क की कसौटी पर तकना है, उसको कसना है, क्या करें विद्वान, क्या देखो एक बात समझो आप, क्या अभी सम्यक दर्शन किसी भी जीव को होगा, किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो बाहर में दर्शन मौनी का उपशम छह छह उपशम होगा, इतना तो आपको पता है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्या होगा पहली बात, क्या होगी, जिस भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा, दर्शन मौनी का या तो उपशम होगा या छह उपशम होगा या छह होगा, ठीक है। जिस भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो पांच लब्धि पूर्वक होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, क्या कह रहा साहब, जो भी जीव सम्यक दृष्टि होगा उसको सात तत्व के संबंध में यथार्थ सिद्धांत होगा, ठीक है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखना अपन सम्यक दर्शन के दस भेदों की विचार कर रहे हैं, एक तो एक विस्तार सम्यक है उसमें, है ना, देखते जी बाबू जी, दस भेदों में एक विस्तार सम्यक नाम का है, विस्तार क्या है, विस्तार सम्यक और संक्षेप सम्यक बताओ, एक तो है संक्षेप, संक्षेप भी है ना, संक्षेप सम्यक और एक है विस्तार, अपन अभी दो की बात करें, क्या दो भेद है, कौन कौन से भेद है जी, संक्षेप सम्यक और विस्तार सम्यक, क्या क्या अंतर है दोनों में बताओ, ये इसमें ग्रंथ में लिखे हुए, हाँ पढ़ो ना आप संक्षेप भेद नंबर, हाँ इसमें संक्षेप की क्या परिभाषा आप,
देखो कितनी सुंदर पदार्थों को संक्षेप से जानकर जो सम्यक श्रद्धालु सम्यक दृष्टि है ना वो क्या करा है दीपक जी पदार्थों के संबंध में संक्षेप से जानकर क्या जाना कहला साहब संक्षेप से जाना लेकिन जाना क्या क्या जाना अभी एक जीव तत्व ये तो मैं हूं और बाकी मुझको छोड़कर सब अन्य भिन्न है ठीक है इतना संक्षेप में जान लिया और जीव तत्व अपना उसका आश्रय कर लिया वो तो हो गया संक्षेप सम्यक वाला हो गया और विस्तार वाले ने क्या करा अब उसने विस्तार से जाना जीव फिर अजीव अजीव कैसा है फिर पांच फिर आश्रव फिर बंद संवर निद्रा उनके सबके संबंध में क्या करा जाए साहब विस्तार से जाना और विस्तार से जानकर क्या किया अंदर में कि एक जीव जो मैं हूं वो आश्रय करने योग्य है और बाकी सब मुझसे भिन्न है और उसके संवेदन जन हो गया तो उसकी रुचि की मुख्यता से वहां भेद है क्या भेद है कि इसमें विस्तार रुचि वाला जीव था तो इसको विस्तार सम्यक का ये संक्षेप रुचि वाला जीव था तो इसको संक्षेप समय रहते का लेकिन समय रहते में कोई अंतर है क्या है उसी प्रकार जिस जीव की आज्ञा की रुचि की मुख्यता थी है ना उसको आज्ञा समय रहता जो मार्ग से प्रभावित होकर इस मार्ग में आकर आत्मा को उसने स्वीकार करके निर्विकल्प स्वसंवेदन किया वो मार्ग सम्यक वाला हो गया है वही प्रभावित हो गया और प्रभावना सम्यक हो गया लेकिन सम्यक दर्शन में क्या रहा होगी एक अपना जीव वो आश्रय तो करने योग्य कैसे उसने उससे बंटवारा है ठीक है डॉक्टर मंजीत साहब ने कितनी सुंदर बात की तो जिन चीजों की आप परीक्षा कर सकते हैं क्या उनकी परीक्षा करनी पैसा प्रत्यक्ष और अनुमान से पकड़ सकते हैं वो उसमें भी जो सभी ग्रंथ में सभी आचार्यों ने एक समान लिया वो तो सही है जहां परस्पर विरोध लगता है वहां आपको विचार करना है क्या कह रहा था क्या विचार करना है अभी एक बात यहां पर थी क्या कही जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर हो उनकी तो परीक्षा करनी है वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे उन शास्त्रों में प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है ऐसे कथन किए हो उनकी भी प्रमाणता करना गजब गजब की बात है क्या बात कही पहले तो क्या कहता साहब आप अगर चावल लेने गए क्या करोगे आप बताओ क्या करोगे चावल गेहूं लेने गए तो क्या करोगे आप वो आपको चार बोरी गेहूं खरीदनी है क्या करोगे आप बाबूजी क्या करोगे गेहूं देख के तो खरीदना बिना देखे कैसे खरीदे तो वो क्या करेगा आपके सामने व्यापारी के बोरी में चार जगह से आपको गेहूं निकाल के दे देंगे ओके आप देखोगे क्या हाथ में जो गेहूं लिए उसको देखोगे और क्या मानोगे पूरी बोरी में गेहूं सही ऐसा ही मानोगे ना क्या चावल लेने गए तो दुकानदार क्या करेगा उसमें से आपको चावल बोले ये घर ले जाओ देख के पता नहीं चलेगा एक बार बना के खाओ क्या बनेगा कितने चावल को बनाते हो बाबूजी आप कितने को एक कटोरी चावल ले आए और वो आपको सही लगे तो फिर आप पूरी वहां से पांच बोरी चार बोरी ले आते हो ठीक है ना उसी प्रकार जिन शास्त्रों में आपको अगर परस्पर विरुद्ध जैसी कोई बात लगे तो आपको अपने प्रत्यक्ष अनुमान कर्म की कसौटी पर कसकर उस बात को प्रमाण करना और आपको लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है मेरे समझ में आ रही है सभी अपेक्षाओं से मैंने तर्क से परीक्षा करके प्रमाण कर लिया फिर उस शास्त्र में कही गई सब बात जो आपके प्रत्यक्ष में पकड़ में नहीं आए वो सब सही है बात करना है क्या कहो साहब ऐसा नहीं करते आप जिन चीजों का भाव पता है आपको कि किराने के यहां सामान खरीदना है भाव दी तो आप पूछोगे शक्कर क्या भाव देगा तेल क्या भाव देगा तो दो चार चीजों के भाव आपको पता है ठीक है वो भाव यदि सही है तो आपको
जो ये व्यापारी प्रामाणिक है, अब सब सामान यहां से खरीद लेना, ऐसा ही होता है ना, बोलो होता है ना। वही बात यहां पर कही है कि जिन कथनों का आपको प्रमाण ठहरे शास्त्र में, उस शास्त्र के सब कथन सही है, और जिन कथनों का प्रमाण ठहरे नहीं, गलत लगे, आप समझ लेना कि यहां पर सब बातें गपेट हो गई है। अब यहां पुण्य में धर्म बता दिया गया है, अब दो चार चीजें और बता देना, बाहरी क्रिया में धर्म, अन्य आचार्यों से बात भी मिलती है और यहां बता दिए, तो आगे सब जो विधि है सब गप्पे हैं, फिर वो कोई मंत्र का जाप बोले, कोई ये करे, कोई वो करे, सब समझ लेना वो गप्पे है। आई बात सर, ये बात इस पैराग्राफ की विषय विषय वस्तु है। कौलाहल है, वस्त्र सहित मुनि दशा है, झाड़ू लगाते हुए केवल ज्ञान हो गया है, अब ये सब आपको मिलान करना पड़ेगा। स्त्री को भी केवल ज्ञान हो जाता है, अभी क्या करो, मिलान करना पड़ेगा आपको। देखो पढ़ लेते हैं ना, समय हो गया है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इस पैराग्राफ की। क्या शास्त्र में कितने ही कथन ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अनुमान से गोचर नहीं है, इसीलिए आज्ञा से प्रमाण होते हैं। वहां नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है, परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना, वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है ऐसे कथन किए हो उनकी भी प्रमाणता करना, तथा जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन अप्रमाणता मानना। राजा साहब इतनी बड़ी बात कह दी डॉक्टर मलिक साहब ने कि आप देखो अभी क्या चक्कर है, अभी आपको मैं बताता हूं, अभी बहुत मार्मिक बात, 5 मिनट है आपके पास, समय तो हो गया। अभी क्या है, पापियों ने कालखंड में अपनी कल्पना से शास्त्र में विपरीत बात घुसेड़ दी, क्या, और विपरीत बात घुसेड़ी तो उन्होंने क्या करा, कुछ बात तो सही रखी और कुछ बात विपरीत घुसेड़ी। क्यों, अगर पूरी विपरीत घुसेड़ देते तो नकली माल से तो माल चले थोड़ी है, आपको जैसे है ना, नकली नोट चलाने वाला क्या करता है, भाजी 8 तो असली देगा और 2 नकली देगा है, पूरे ही नकली देगा तो पकड़ा जाएगा। तो अभी जैन धर्म में जो शास्त्रों में भी क्या करा है, उन्होंने कुछ बातें तो असली घुसेड़ी, अब कुछ नकली घुसेड़ी। अभी क्या कह रहे हैं टोडन मलिक साहब, देखो इसमें असली भी है और नकली भी है, एक ग्रंथ तो ऐसा है और एक ग्रंथ है आचार्यों का, ये जो असली है। अभी क्या होगा, असली असली बातें तो आपको एक जैसी मिलेगी, इधर भी कहा इधर भी कहा दोनों एक जैसी मिलेगी, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो यहां नकली है और यहां जो बात असली है, दोनों परस्पर विरोध में लेंगे, क्या होगा गजराज साहब, बात पकड़ में आई, ये असली और नकली मिलावट वाला शास्त्र है और ये प्योर असली शास्त्र है, ठीक है आचार्यों का। अब असली असली बात तो दोनों में समान दिखेगी, अब यहां जो नकली बात है यहां उसके विरोध में ये बात दिखेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सी बात असली है, ये असली है कि ये असली है, ठीक है। और अगर आपने अनुमान प्रत्यक्ष उसकी सही परीक्षा की तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये नकली है ये असली है। अब जब आपको पता चल जाएगा ये नकली है, ठीक है, तो ये पूरा ग्रंथ नकली है, छोड़ दो। आज वासन जो इसमें मिलावट हो और ये असली है तो ये पूरा ग्रंथ, फिर इसमें जो भी बात कही गई है वो सब असली है, ऐसा यहां इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। बात पकड़ में आई आपको बाबूजी, ठीक है, नहीं तो कल इसमें और विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। कुछ भी कहीं भी सुन लेने का नाम धर्म नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूं। मार्केट में बहुत तरह की बातें चल रही है, आपको तो अपना लोटा छानना पड़ेगा,
इतनी तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप सोचोगे कि कहीं भी कुछ भी टीवी चैनल यूट्यूब कुछ भी चालू कर दिया और सब धर्म है, हर ये तो हमारे जैसे ही लगता है। बात तो सच्ची ही कह रहा है भैया, बहुत आपको ज्ञान की बुद्धि पकड़नी पड़ेगी, कितना विशेष ध्यान रखना। मिथ्या तमनास वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु, आपा पर भाषा वेकु भानु सिब खानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु, स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु, काहू न सताय वेकु भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु, सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक।